नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट कैसे करें। क्योंकि हम देखते हैं कई लेटर्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क नहीं आया होता है, मतलब कि उसका सर्टिफिकेट अपने पास वैलिड नहीं दिखा रहा है। तो इसको वैलिड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली उस फाइल को एडोब रीडर में ओपन करें, फिर वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पे सिग्नेचर प्रॉपर्टी दिखाई देगी, इसके अंदर 100 सिग्नेचर सर्टिफिकेट करना है। यहाँ अपन देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रस्ट का। इस ट्रस्ट ऑप्शन के अंदर ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में ऐड नहीं है, इसके लिए अपन को इसको सर्टिफिकेट को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे तब अपने पास में ये विंडो ओपन होगी। इसके अंदर है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इसको चेक करना होगा, या अनचेक रहता है इसको चेक करना होगा। और मोस्टली तो इसको क्लिक करके यहाँ से ओके करते ही हो जाता है, पर कई सर्टिफिकेट होते हैं जिनके अंदर फिर भी एरर रहती है, तो अपन को ये बाकी के तीनों ऑप्शन भी मार्क करने होंगे, चेक करने होंगे। और चेक करने के बाद में इसको अगर ओके करें, ओके करके फिर यहाँ से और ओके करेंगे, और यहाँ से अब इसको अपन वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करते ही अपन देखेंगे कि ये जो सिग्नेचर था ये ग्रीन मार्क में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब तो अपना सिग्नेचर वैलिड हो चुका है। इस प्रकार आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रीन मार्क वैलिडेट कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, क्रॉस आ रहा हो, तो इन सब का इलाज यही है, आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टी में जाके इसको वैलिडेट करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।